शाम को घर वापस आए, वालिद हाजी खान मोहम्मद बंगश से मुलाकात की, पगड़ी पहनाई गई। जब से हम इस घर में आए, अल्लाह की मेहरबानी शुरू हो चुके हैं, अल्लाह की बहुत बड़ी करम है। और माशाल्लाह बचपन से काफी जहीन और खुदार बच्चा है मेरा, जो कि हमारा बहुत ही ख्याल रखता है वालिदैन का। और साथ साथ में बस बचपन से इसको शौक था सियासत में आने का, तो हमने भी इसको मना नहीं करवाया और आ गए अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। आपको अफसोस तो हुआ होगा जब इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ के और सियासत जो है वो अपनाने का फैसला किया? अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल पहले हम जो थे सेहत से भी बराबर थे, ऐसी कोई दुख की बात नहीं था, नहीं खुशी थी, बच्चे का शौक था सियासत में आने का, तो हमने इसको मना नहीं किया। आ जाए, बेशक आप अपना शौक भी पूरा करें और खिदमत भी करें। कोई खामी भी है इसमें, कोई ऐसी गलती है जो आप समझाते हो यार ये ठीक नहीं है? मेरे ख्याल में तो हर वालिद की नज़र में बच्चों में से कोई बहुत कम खामी नजर आती है, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। हाँ। चाहे वो जितने भी बड़े हो जाए। ये अक्सर मुझे कहते हैं कि तुम गुस्सा बहुत जल्दी होते हो, तो गुस्सा ना किया करो। हाँ, उस तो जज्बाती मैं ये कहूँगा। कमरान साहब को इस कम उम्र में अल्लाह ने दो दो महकमों का कलमदान दिया, ये इनकी मेहनत, नेक नीति और हार्डवर्क का सिरा है। और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ और हम लोग इनके साथ काम करते हैं, तो हमने देखा कि ही इज़ वेरी वेरी पोलाइट एंड ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। इन्होंने कभी हमें महसूस नहीं होने दिया कि ये हमारे मिनिस्टर हैं और हम इनके साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने जब भी कोई टास्क दिया तो बड़ा दोस्ताना माहौल में हमारे साथ ये काम करते हैं और जिस काम दे के कहते हैं कि जस्ट डू इट, आप कर सकते हो एक्चुअली। और इन्होंने जो हुकूमत की तर्जुमानी का स्टाइल चेंज किया है, आपने देखा होगा कि ये हमेशा से तनकीद बा इस्लाह की तरफ ज़्यादा इनका फोकस होता है। जो एक रवायती तर्जुमानी होती है उसकी तरफ ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल काम एंड कूल एंड रिलैक्स तरीके से। मैं इनसे कभी कभी पूछता भी हूँ तो ये कहते हैं कि नहीं, खान साहब का भी जो ये वीन है कि आप तनकीद बा इस्लाह की तरफ जाएँ। बेटी हलीमा भी मिलने आई, पापा जो हैं वो कितने अच्छे हैं, क्या क्या उनकी खूबियां हैं और कितना वक्त देते हैं आपको? पापा बहुत अच्छे और टाइम भी देते हैं और खाना भी ले आते हैं। अच्छा, खाने में क्या लाते हैं? हमारी फेवरेट चीज़ें होती हैं। आपकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं? नहीं, पढ़ाई के बारे में तो कभी नहीं। पढ़ाई के बारे में बात नहीं करते? अच्छा, गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो आपको गाना भी गा सकते हैं। बुलाए बुलाए बताए पापा कितने अच्छे हैं। पापा अच्छे। अच्छा, आपको कौन कौन सी गेम्स खिलाते हैं, क्या क्या आपसे बातें करते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट। मैं आपके लिए क्या लाता हूँ वो भी बताओ कि खाने में क्या लाता हूँ। बताए। पिज्जा, चावल। और तकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, मकामी डिश पेंडे और बिरयानी से तवाजु की गई।